ओके तो लास्ट वीडियो जो बेसिक पार्ट यूनिट 4 का हमने डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर अपना दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। और इसमें हम आरसीसी बिल्डिंग्स के फेल्यूर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चन लेंगे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फेल्यूर इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बिल्डिंग सच एज फेल्यूर ड्यू टू पुअर कॉन्क्रीट क्वालिटी, रेनफोर्समेंट कोरोजन, फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सॉयल एक्सेट्रा विच केस स्टडीज आर डिस्कस। इन स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेल्डम क्वेश्चनेबल, द रीजन वेरीज फ्रॉम पुअर बिल्डिंग मटेरियल क्वालिटी टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो क्या है कि प्रश्न मुझसे ये पूछता है एग्जाम में कि आरसीसी बिल्डिंग्स के फेल होने की क्या वजह है, क्या रीजन है कि आरसीसी बिल्डिंग्स फेल हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ड्यू टू पुअर क्वालिटी कंक्रीट क्वालिटी, ओके, तो पुअर कंक्रीट क्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा रीजन है ना, पुअर क्वालिटी, ठीक। उसके बाद क्या है दूसरा रीजन है, कोरोजन रिइंफोर्समेंट में जो कोरोजन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं सही तरीके से बिल्डिंग के अंदर में, नीचे से रिइंफोर्समेंट दिखाई देती है, तो जब एयर और एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट होगा उसके बीच धीरे 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 जो है वो चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। देन आफ्टर फेल्योर ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू द सॉयल की वजह से भी फाउंडेशन फेल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेल्डम क्वेश्चनेबल, ओके, द रीजन वेरी फ्रॉम पुअर बिल्डिंग मटेरियल क्वालिटी टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। कभी कभी जो हम इंजीनियर यूज करते हैं उसको अच्छा नॉलेज नहीं होता है, और समटाइम्स जो है नए लोग जब डिजाइन करते हैं तो उसमें कभी कभी स्ट्रक्चरल फेल्योर हो जाते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। Most of the times, engineers are ignored by individual houses owner and masons are given sole responsibility of both design and constructions. इस तरह के issues आते हैं जो कि लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ओके। चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्रैक्टिकली इन इंडिया विल एग्री दैट 99% ऑफ द फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया आर नॉट ड्यू टू डिजाइन फेल्योर। इंडिया में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइन फेल्योर नहीं होता है। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट ए नॉर्मल हाउस बिल्डर इंजीनियर और कॉन्ट्रेक्टर नीड टू लर्न, ठीक है। तो क्या क्या मेनली रीजंस हैं फेल्योर होने के, वो मैं वन बाई वन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं। पहला है फेल्यूर ऑफ आरसीसी ड्यू टू द कोरोजन ऑफ रिइंफोर्समेंट। सबसे पहला जो मेन रीजन है वो हमारा कोरोजन, कोरोजन होने की वजह से जो है, जिसे आप कभी कभी क्या होता है कि जो स्टील यूज करते हैं वो अच्छी ग्रेड की यूज नहीं करते हैं, पुअर क्वालिटी स्टील यूज कर देते हैं, जिससे हम सस्ता के पीछे पड़ जाते हैं कि सस्ता स्टील डाल दो यार, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह कम किया जाए। तो वो रिइंफोर्समेंट जो होती है वो जल्दी उसमें कोरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम। उसके बाद फेल्यूर ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ लोड, ठीक है। अगर लोड ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से ना हो बिल्डिंग में, ठीक है, तो लोड ट्रांसफर इन द सेंस क्या है कि कभी कभी वन वे स्लैब प्रोवाइड करना होता है, कभी टू वे स्लैब प्रोवाइड करना होता है। टू वे प्रोवाइड करना है, स्क्वायर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है और हमने वन वे प्रोवाइड कर दिया, एंड देयर इज अ लोड ट्रांसफर इज नॉट इन द प्रॉपर वे एंड द बिल्डिंग विल फेल नाउ। तो पुअर कॉन्क्रीट मिक्स एंड वाटर क्वालिटी, ये बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में जो हमने ऑब्जर्व किया है। उसमें क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है प्रॉपर नहीं रखते हैं,
जो मिक्स पिक्चर बनाते हैं वो आरएमसी का यूज बहुत कम करते हैं, जनरली लोकल लेवर्स का यूज करके हम लोग जो है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं और दैट्स विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ा रीजन है जैसे कि हम यहाँ पर लोगों के बीच जो है से लिखा है सैंड बीचिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू यूज ऑफ सैंड बीचिंग कंस्ट्रक्शन। सैंड बीच का मतलब क्या है कि जो रिवर सैंड यूज कर रहे हैं, व्हाइट सैंड जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं सफेद क्वालिटी वाली, तो उसकी वजह से भी फेलियर होता है। ठीक है, ये सब बहुत सारे रीजन हैं फेल होने के लिए। व्हाट इज नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट? नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? डिजाइन ऑफ एवरी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सीस्मिक मूवमेंट शुड कंसीडर दैट द नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द बिल्डिंग सच अ सीलिंग पैनल्स विंडोज एंड डोर एज वेल एज इक्विपमेंट मैकेनिकल एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा मस्ट विदस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेरेवर इट शुड बी borne in mind that the excitations of the non-structural elements caused by these movements of the structure is in general greater than excitations of the foundations and thus it can be said that the safety of the non-structural element is more compromised in many cases than the safety of the structure itself. Hai na, to non-structural element jaise hai jaise ki hamare सीलिंग पैनल्स विंडोज एंड डोर एज वेल एज इक्विपमेंट मशीनरी एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा मस्ट, ये सब क्या होते हैं कि नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, जैसे टॉयलेट्स हैं, इनकी इसे कभी कभी तो नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट जो भी होते हैं, वैसे बाथरूम्स इन द सेंस कह सकते हैं लीकेज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मतलब जो है एक प्रकार से आप सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्लांट हम जो लगाते हैं उसके अंदर एसी वेसी लगाते हैं, डक्टिंग करते हैं, पाइप वर्क होता है, एसी के डक्ट बनाते हैं, केबल ट्रे, सस्पेंडेड सीलिंग्स, नॉन लोड बेरिंग पार्टीशन एंड क्लैडिंग सिस्टम, ये सब जो है काफी डेंजरस हो जाते हैं। अब हम आते हैं जोन फैक्टर के ऊपर। ठीक है कि अर्थक्वेक में जो है जोन फैक्टर क्या है? ओके, तो सिस्मिक जोन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू फोर सिस्मिक जोन based on scientific input relating to the seismicity. Earthquake occurs in the past and tectonic setup of the region, seismic active zone. Okay, area with minor damages, which means causing damage to structure with fundamentally period greater than 1 second, earthquake corresponding to intensity 5 to 6 of mm scale. It covers the area which are not covered by other three seismic zones discussed below. ठीक है, seismic zone 2 जो होता है जो कि हमारा minor damage areas में आते हैं and intensity greater than 1.0 second, modified mercury intensity scale पे जो हम इसको measure करते हैं, अलग अलग intensity है और उसके हिसाब से हम divide करते हैं। zone 3 जो है मॉडरेट डैमेज करस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी एम एम स्केल पर मेजर कर रहे हैं, तो इट कंप्राइज केरला, गोवा, लक्षद्वीप, आइसलैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पार्ट पंजाब का है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, बिहार। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मैंशन कर रखा है ना, तो ये जो है एरिया जो है झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जोन 3 में आता है। जोन 4 उसके बाद आता है, जोन 4 की बात करेंगे हम। जोन 4 में जो है
major damage corresponding to intensity 7 and higher MM scale. It covers remaining part of the Jammu Kashmir, Himachal Pradesh. That's a engine in zone 4 में आता है ये सब areas. ठीक है ना? तो अलग अलग जोन है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटीज. उसके हिसाब से इंटेंसिटीज के कुछ कुछ पार्ट यूपी बिहार के भी कवर हो रहे हैं. ये आता है जोन 5. अलग अलग जोन में हमने डिवाइड किया है इसको. जोन 5 में जो इंटेंस मैग्नीट्यूड एक्सीड है 7.0 से इस प्रकार से एरिया में और इंटेंसिटी हायर देन 11. अब हम बात करेंगे सॉफ्ट स्टोरी फेल्योर की. सॉफ्ट स्टोरी फेल्योर क्या है? ये सॉफ्ट स्टोरी कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर एनी वन स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग इज मोर फ्लेक्सिबल व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर फ्लोर. दिस मे बी लोकेटेड एट द बॉटम और एट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स वेयर द फ्लोर अबव और बिलो इट मे बी स्टीफर कंपेयर टू इटसेल्फ. दिस अकाउंट टू बी अ वीक एलिमेंट इन द परस्पेक्टिव ऑफ सिस्मिक फोर्सेस. अब एक दो प्रॉब्लम्स और है जैसे मास इरेगुलरिटीज क्या है और क्रैक्स जो है कैसे कैसे क्रैक्स हैं. फेल्योर मोड ऑफ द वीक मेसनरी अगर आप देखें ये क्रैक्स हमने दिखाए हैं इसमें. ये काफी इंपॉर्टेंट है आप इसको पढ़िएगा. मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा. Thank you, everyone.